मेरा नाम जी श्रीनिवास यादव है, मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, मैं वॉलंटरी सोशल वर्क करना बहुत इंटरेस्टेड हूँ। आई एम नॉट इन पॉलिटिकल मैन, यहाँ पे पूरा मुसलमान क्रिश्चियन हिंदू और टीआरएस कांग्रेस बीजेपी ऑल इन वन। मैं बड़ा इंटर मरने के वक्त कौन सा भी पार्टी में अब तक नहीं गया, मेरे को सेंट्रल से भी ऑफर आ रहा है, मैं किधर भी जेल नहीं हो रहा हूँ। आई एम इंटरेस्टेड टू ओनली सोशल वर्क। मैं हमारा अम्मा बाबा का ऊपर मर जाने के बाद, हमारा अम्मा बाबा मर जाने के ऊपर बाद कलावती परशुराम यादव फाउंडेशन मैं एस्टाब्लिशन करा। वो फाउंडेशन से 5 साल से मैं सोशल वर्क करते हुए आ रहा हूँ। अरे जन्मदिन क्या है, अभी मेरा 2nd जन्मदिन है, आप हंसते हैं 2nd जन्मदिन बोल दो, क्यों बोलते हो? मैं अब तक जन्मदिन कभी नहीं बनाया। लास्ट ईयर सेम 20 को मैं गौशाला जाके गाय को थोड़ा वो करके पुजारी को दे के आया, तो जन्मदिन शुभाकांक्षा बोला था, मेरे 7-800 वाले देख के व्हाट्सअप करे तो वायरल होके 300-400 मेंबर पीपल मेरे पास आके केक काटाया। वो एडवर्टाइजमेंट हुआ। मैं जब से मेरा जन्मदिन है, जब से मैं किधर मंदिर चले जाता हूँ, मस्जिद चले जाता हूँ, दरगाह किधर भी चले जाता हूँ, ये पहली बार ओपन हुआ बोल के सब जने पूछ रहे बोल के, एक टाइम ऐसा करना पड़ा सबको। हमारा अम्मा बाबा के फाउंडेशन कलावती परशुराम यादव फाउंडेशन के तरफ से मैं अन्नदानम करा 5,000 जनों को, आप लोग देख रहे होंगे नीचे क्राउड। और मेडिकल कैंप, फ्री मेडिकल कैंप चेकअप मेरा होम करा, मेडिसिन फ्री दिया, गरीब बच्चों को बुका दिया। और मेरा सिस्टर है, इसको मैं एजुकेशन का पूरा रिस्पॉन्सिबल ले रूँ। सिस्टर मीन्स नो बेड रिलेशन। पाप बेचारा अच्छा है, मैं क्या बोलता, अच्छा मार्क्स है। और इंडस्ट्री वाले के पास जाके वो इलेक्शन के टाइम में बच्ची को मैं देखा, सब जने है, मैं जाके वहाँ नंगा बोलते, देखो मुन्ना भाई MBBS में मेरा जॉब में जितना उतना पैसे दे के अम्मा ले लो बोल के लगा दिया। वहाँ बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे, मैं क्या बोला, भैया ये बच्ची का प्रॉब्लम यह है, थोड़ा मेहनत हैंडीकैप में है, मेरिट देखो तो बहुत अच्छा है, डिग्री पढ़े से है बच्ची, PG पढ़ने के लिए पैसे की प्रॉब्लम है, सबको दे बोलते, सब जने दे, तुम बोले कोई नहीं दे इंडस्ट्री में। मैं इनको उसी दिन दिया पैसा, बाद में भेजा गांव को, 25,000 फर्स्ट सेमेस्टर बना और 25,000 दिया। अब 50,000 ये साल का हो गया, अब नेक्स्ट 50,000 इनका होना, वो भी मैं दे दूँ, उससे काम नहीं चलेगा, बच्ची का पेट है, रोजगार होना हॉस्टल है, वो भी मैं ये मांगली जातरा के बाद जाके आंध्रा में इनके अकाउंटेशन भी मैं पूरा वॉलंटियरिंग का ले रूँ। मेरा सगा बहन, मैं मंदिर मस्जिद और क्या बोलते हैं क्रिश्चियन से कसम खा के बोल रहा हूँ, अब तक इतना करो सवाल मैं वो करता नहीं करता, हमारा बहन को मालूम होना, बहन बन के मालूम, मेरे को जात पात कोई भी नहीं है, मैं सब जने मेरा नीचे सब जने मिल के रहे थे हम लोग। मैं बहुत इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क, अभी तक बहुत करा मैं कलावती परशुराम यादव फाउंडेशन से, बहुत करा, ऑफिशियली नहीं करा, बहुत करे सो नहीं आ रहा, बर्थडे कर ले बोल के हमारा फॉलोअर्स मेरा फैंस में हेल्प करे सो वाले पूछे तो वो बर्थडे के दिन मैं वॉलंटरी काम कर रहा हूँ। मैं इसमें कोई पॉलिटिकल का नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं एक पार्टी का आदमी नहीं। అందరికంటే ఎక్కువ ఆప్యాయతగా ప్రేమగా నన్ను, నేను ఎవరో తెలియకుండా ఎక్కడి నుంచి వచ్చానో ఏంటి నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమీ తెలియకుండా ఉన్న ఫలంగా నాకు హెల్ప్ చేసిన వారు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అది శ్రీనివాస్ అనే అన్న, నీకు జీవితాంతం రుణపడి ఉంటానన్నా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్నా.